वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 3 कर्मयोग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और इसमें अब तक हमने कुल 27 श्लोकों का विचार किया है। इन 27 श्लोकों में जो मुख्य बात हमने सीखी कि कर्मयोग का ये सिद्धांत, कर्म किस तरह किया जाए, जिस कर्म के माध्यम से जीवात्मा का परमात्मा से संयोग हो जाए, मनुष्य का अपने स्वरूप से पहचान हो जाए, मनुष्य को अपने स्वयं के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो जाए, इस दृष्टिकोण से यात्रा करने के लिए कर्म करना, शास्त्र विहित कर्म करना, जैसा कर्म शास्त्र में, वेदों में, वेदांत में, मुख्यतः गीता शास्त्र में, संत वाङ्मय में कहे गए हैं, उस दृष्टिकोण से, उस पद्धति से अगर हम कार्य करेंगे, दिन प्रतिदिन का हमारा कर्म करेंगे, तो वो हमें उस अंतिम ज्ञान की प्राप्ति तक लेकर जाएगा। आदि शंकराचार्य हैं हमारे, उन्होंने एक सुंदर श्लोक उनके ग्रंथ में लिख के रखा है, विवेक चूड़ामणि में। शंकराचार्य कहते हैं, अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला और विज्ञातेपि परे तत्वे शास्त्राधीतिस्तु निष्फला। ये जो शास्त्र है, शास्त्र माने केवल थेरी, केवल शाब्दिक ज्ञान जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये शाब्दिक ज्ञान पढ़ना अत्यंत आवश्यक है, इसमें स्पष्टता होना आवश्यक है। ये क्लैरिटी हमें जितनी अधिक होगी, उतना अधिक हम लोग प्रत्यक्ष साधना में उसका उपयोग कर पाएंगे। लेकिन केवल परोक्ष ज्ञान, केवल शाब्दिक ज्ञान के ही पीछे अगर हम लगे रहेंगे और प्रत्यक्ष अनुभव का प्रयास नहीं करेंगे, तो इस शास्त्र का कुछ विशेष उपयोग नहीं है। एक बार हमने सूर्य नमस्कार का उदाहरण देखा था कि सूर्य नमस्कार करने का एक अपना शास्त्र है, एक अपनी थ्योरी है कि 12 तरह के आसन कौन से हैं, उनकी पोजीशन कैसी है, किस तरह एक आसन से दूसरे आसन में हम लोग ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, इन्हेल कब करना है, एक्सहेल कब करना है, तो एक पूरा शास्त्र है, पूरी थ्योरी है। एक बार अच्छी तरह से पढ़ के ये थ्योरी समझ में आ जाए, तो उसके पश्चात जो काम है वो केवल उसका आचरण करने का काम है। प्रत्यक्ष सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स, उपयोग हमें तभी होंगे जब हम प्रत्यक्ष इस शरीर के माध्यम से वो सूर्य नमस्कार करेंगे। केवल थ्योरी की चर्चा करके, केवल थ्योरी का अभ्यास करके सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स नहीं मिलते। और एक बार हमें सूर्य नमस्कार अच्छे से हम लोग करने लगे, नियमितता से करने लगे, तो उसके पश्चात वो जो भी शास्त्र है, वो आसनों के नाम में भूल भी गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये आसन का नाम क्या है, दूसरे आसन का नाम क्या है, ये मैं भूल भी जाऊँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सूर्य नमस्कार का जो शास्त्र है, जो शाब्दिक ज्ञान है, वो परोक्ष ज्ञान केवल एक स्टेप है। प्रत्यक्ष अनुभव लेने के लिए शाब्दिक ज्ञान होना आवश्यक है। बिल्कुल वही बात हमारी यहाँ पर चल रही है कि यहाँ पर जो भी कर्मयोग के सिद्धांत हम लोग सीख रहे हैं, ये शाब्दिक स्तर पर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बहुत सुंदर जो हमारे गुरुजी हमसे कहते हैं कि हमारा दिन प्रतिदिन का जीवन एक प्रयोगशाला है,
जो 23 घंटे, यहाँ पर हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार मिलते हैं, 1 या 2 घंटे का हम लोग श्रवण करते हैं, और ये जो भी शास्त्र है, सिद्धांत है, इनका हमारे जीवन से जो भी कनेक्शन है, ये समझने का हम लोग यहाँ पर प्रयास करते हैं। ये श्रवण होने के पश्चात, ये वर्ग समाप्त होने के पश्चात, जो भी हमारा बाकी का पूरे हफ्ते भर का जीवन है, पूरे दिन भर का जीवन है, उसमें ये सारी बातें हम लोग आचरण में लाए तो इसका हमें प्रत्यक्ष फायदा होगा। अगर आचरण में नहीं लाए तो इस शास्त्र का कोई उपयोग नहीं है। जो आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अनुभव आने के पश्चात शास्त्र का कोई उपयोग नहीं, वो निष्फल है। और अगर इतनी सब मेहनत करके अनुभव नहीं आया तो फिर भी ये शास्त्र निष्फल है। शाब्दिक ज्ञान ये भी बात सच है कि जितना अधिक स्पष्ट होगा, जितनी अधिक हमें क्लैरिटी होगी, उतना हम लोग इस शास्त्र का प्रत्यक्ष आचरण करने में मोटिवेट हो जाएंगे। तो ये आचरण का शास्त्र है, केवल लिखा लिखी की और बोलने की, कॉफ़ी टेबल डिस्कशन पे, चाय पे चर्चा करने की ये बातें नहीं है, प्रत्यक्ष आचरण की बातें हैं। 25वें और 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, और भगवान ने ये मुख्यतः सूचना दी है, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, इस क्षेत्र में जो श्रेष्ठ पुरुष है, ज्ञानी व्यक्ति है, संत महात्मा है, उनके लिए मुख्यतः ये सूचना है कि दुनिया के बहुतांश लोग आसक्त होकर कर्म करते हैं, और उन्हें इस शास्त्र का मार्गदर्शन करने के लिए तुम्हें भी उन्हीं की तरह आसक्त होने का मानो दिखावा करके, उन्हीं की तरह उन्हीं में रह के, उनमें मिलजुल के इस शास्त्र का प्रबोधन करना पड़ेगा। तो ये शास्त्र का प्रबोधन किसी आइवरी टावर से, किसी ऊपर ऊंचे पहाड़ में मैं बैठी हूँ और बाकी सारी जनता नीचे है, इस दृष्टिकोण से प्रबोधन करोगे तो ये शास्त्र कभी लोगों तक पहुँच नहीं पाएगा। तो मानो सामान्य लोगों की तरह कर्म और उपासना का तुम प्रत्यक्ष आचरण करो, मन में अलिप्त रहो, मन में अनासक्त रहो, मन में असंग रहो, निर्विकार रहो। ये स्थितप्रज्ञ व्यक्तियों के लिए सूचना है। स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अंदर से निर्विकार होते ही है, अलिप्त होते ही है, लेकिन अंदर से ये अवस्था होते हुए भी बाहर से जोशयेत सर्व कर्माणि, अत्यंत उत्साह से अपने सर्व कर्म करो, अत्यंत उत्साह से करो। हमारे जो सद्गुरु है, परम पूज्य डॉक्टर काका, उनके जो सद्गुरु, उनका नाम है परम पूज्य शंकर महाराज खंदारकर। ये एक पुराने महाराज है जो वारकरी संप्रदाय में हो चुके हैं, पहले रहते थे पंढरपुर में, उनका निवास होता था पंढरपुर के पास होता था, लेकिन पंढरपुर में भी वो आकर रहते थे, अपना काम करते थे, प्रबोधन का काम करते थे। तो उनका एक छोटा सा चरित्र जैसा लिखा गया है, जिसमें शंकर महाराज जी खंदारकर, जो हमारे परात्पर गुरु है, उनके बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने जीवन काल में संपूर्ण ज्ञानेश्वरी, संपूर्ण तुकाराम गाथा, संपूर्ण एकनाथ महाराज का भागवत, ये महाराष्ट्र के मराठी में बहुत बड़े बड़े संत ग्रंथ लिखे गए हैं, पुराने ग्रंथ हैं, और ये जो सारे ग्रंथ हैं ये काव्यात्मक फॉर्म में है। काव्य माने ओवी, ओवी एक मराठी में लिखने का काव्य प्रकार है, जिसमें जो कोई भी शास्त्र के सिद्धांत है, जैसे संस्कृत में श्लोक होते हैं, जैसे हिंदी में दोहे होते हैं, वैसे मराठी में ओवी होती है। तो ये सारी ओवीबद्ध रचनाएं हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन ओवीबद्ध रचना। तो मूल ये जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, एकनाथी भागवत, इनके ऊपर हमारे परात्पर गुरु जो शंकर महाराज जी खंदारकर है, इन्होंने विस्तृत गद्य टीका लिखी है। ये गद्य टीका लिखते समय वो जिस तरह काम कर रहे थे, जिस तरह वो लेखन का काम कर रहे थे, वो एक देखने लायक और सीखने लायक बात है। उनके यहाँ उनके छोटा सा जो चरित्र है उसमें लिखा गया है कि देखिए 50-60 साल पहले की शायद ये बात है, शायद उससे भी ज़्यादा अवधि हो गया, कि उन दिनों ये जो सारे संत महात्मा है वो प्रबोधन करने के लिए उन्हें गाँव-गाँव जाना पड़ता था। गांव-गांव जाने के लिए अब आज के जैसे कोई एसी फ्लाइट है, कोई बिजनेस क्लास का बुकिंग, ऐसी बातें तो होती नहीं थी। तो वो एसटी बस से ट्रैवल करते थे, ट्रेन के ऑर्डिनरी अपने स्लीपर कोच से ट्रैवल करते थे। तो जब ज्ञानेश्वरी लेखन का काम करते थे तो बस स्टैंड पर खड़े रहकर, जब वो बस का वेट कर रहे हैं, उस समय में उन्होंने लेखन किया। जब वो ट्रेन स्टेशन पे बैठे हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आजू बाजू में इतनी भीड़ है, लोग आने वाले जाने वाले खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इतने शोर शराबे में बैठकर उन्होंने ज्ञानेश्वरी जैसे
क्लिष्ट अत्यंत कठिन ग्रंथ का आध्यात्मिक लेखन का काम किया है। एक मिनट भी उन्होंने अपने जीवन में व्यर्थ नहीं जाने दिया। जब लेखन कर रहे थे, उनका जीवन काल कम था, तो इस तरह जगह जगह पर वो पूरे कागज अपने साथ लेकर घूमते थे। उन दिनों में लैपटॉप भी नहीं था कि एक लैपटॉप लेकर गए, कहीं पर भी बैठे टाइप कर लिया, तो पूरे कागज ग्रंथ लेकर घूमते थे। जहाँ पर जगह मिली, जहाँ पर समय मिला, वहीं पर बैठकर लेखन शुरू करते थे, आजू बाजू की परिस्थिति का विचार न करते हुए, उससे विचलित न होते हुए। तो जोशयेत सर्वकर्माणि, अंदर से अलिप्त है, अंदर से निर्विकार है, लेकिन बाहर शरीर से अत्यंत उत्साह से सर्व कर्म कर रहे हैं। ये ज्ञानी लोगों का चरित्र जब हम पढ़ते हैं, तो ये कर्म करने का एक सुंदर तरीका, एक सुंदर आदर्श पद्धति हमारे सामने आती है। दूसरी बात, यहाँ पर साधकों के लिए आवश्यक सूचना ये है कि ज्ञानी पुरुष जब व्यवहार करते हैं, तो उनका व्यवहार हम लोगों जैसा ही सामान्य होता है। हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, हमारे जैसा खाना खाते हैं, हमारे जैसे अगर बीमार हो गए तो दवाई लेते हैं। उनके भी कई सारे महात्माएं जिनकी घर गृहस्थी होती है, उन्हें अपने घर वालों को संभालना पड़ता है, तो बाहर से देखें तो उनकी सारी क्रियाएं बिल्कुल हमारे जैसी होती है। तो हम लोग ये ना सोचें कि ये तो हमारे जैसा ही खाना खाते हैं, तो हमारे जैसे ही वो सामान्य हैं, इस तरह का हमारा उनके बारे में मन में भ्रम ना हो। एक छोटा सा और किस्सा मुझे याद आया, मैं कहती हूँ। और देखिए, हम लोग अगर संत महात्माओं के चरित्र पढ़े तो सारे जगह पर हमें ये दिखाई पड़ेंगे। हमारे सद्गुरु है परम पूज्य डॉक्टर काका, उनके बारे में ये प्रत्यक्ष बात मैंने सुनी है कि एक दिन, एक 4-5 साल पहले की बात होगी शायद, कि एक दिन अपने घर में वो एक छोटी सी चीज़ है, एकदम ट्रिवियल, जिसका कोई मायना ही नहीं है, ऐसी कोई चीज़ वो ढूंढ रहे थे। उनके घर में एक व्यक्ति थी, हमारी गुरु भगिनी, वो देख रही थी और वो सोच रही थी कि इतनी छोटी सी चीज़ की इन्हें क्या ज़रूरत है, अगर नहीं भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो वो दिन भर अभी टेबल में देखा, टेबल के ड्रॉवर में देखा, फिर कबर्ड में देखा, कपड़ों में देखा, स्वेटर में चली गई है, यहाँ है, वहाँ है, पूरा दिन वो पहले खुद ढूंढते रहे, फिर जो घर में थे लोग दूसरे लोगों को कहा कि ये चीज़ ढूंढो। 1-1.5 दिन ढूंढने के पश्चात वो छोटी सी चीज़ थी, एकदम ट्रिवियल, वो उन्हें मिल गई। उन्होंने वो चीज़ लेकर अपने स्टडी टेबल पर रख दी और फिर वो शांति से सो गए। उन्होंने बाद में उस चीज़ की तरफ देखा तक नहीं। ये बात हुई कि 1-2 दिन बाद हमारे उनके घर में कोई मेहमान आए और जो मेहमान थे वो इस हमारी गुरु भगिनी से कह रहे थे, थोड़े दिन बैठे, गुरु जी को नमस्कार किया, उनसे बातें की, घर में जो भी उन्हें काम करना था, सेवा करनी थी, वो सेवा की। और वो बाद में कह रहे थे ये पहले गुरु भगिनी से कि आज ना मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हो, क्या हुआ? तो वो क्या है ना, 1-1.5 साल पहले एक छोटी सी चीज़ है जो हमने अपने गुरुदेव को अर्पण की थी और आज मैं देख रही हूँ कि 1.5 साल के बाद अभी तक वो उनके स्टडी टेबल पे है, अभी तक वो उस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। और सचमुच वो जो मेहमान आए थे उन्हें बहुत आनंद मिला था कि मैंने जो अपने गुरुदेव को दिया वो अभी तक उसका उपयोग कर रहे हैं। तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखने लायक थी। और जो पहली गुरु भगिनी थी उसे ये बात समझ में आ गई कि क्यों 1-1.5 दिन तक हमारे गुरुदेव उस छोटी सी चीज़ को ढूंढ रहे थे। तो देखिए, केवल छोटा सा किस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बहिरंग का उनका जो वर्तन है, जो आचार है, उससे उनके अंतरंग स्थिति की परीक्षा करना कठिन होता है। जितना हम लोग उनके सहवास में रहे तो ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है कि वो जो भी व्यवहार करते हैं वो केवल लोगों को प्रबोधन करने के लिए, लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, लोगों को एक विशिष्ट दिशा पर चलने को प्रवृत्त करने के लिए उनका व्यवहार होता है, उनका आचार होता है। उस व्यवहार में उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। और इस तरह का व्यवहार वो करें, ये भगवान श्री कृष्ण उन्हें आज्ञा देते हैं। ये बातें हमने सीखी और फिर 27वें श्लोक में देखा था कि ये संपूर्ण सृष्टि त्रिगुणात्मक है, सारे पदार्थ त्रिगुणात्मक है, और यहाँ पर जितनी सारी कृति होती है, जितने सारे कर्मक होते हैं, वो त्रिगुणों के शक्ति, त्रिगुणों की ऊर्जा, त्रिगुणों की प्रेरणा से होते हैं। लेकिन जो मूढ़ जीवात्मा है, जो देह के साथ तादात्म्य रख के रहता है, वो मूढ़ जीव ये सोचता है कि मैंने ये काम किया। उदाहरण देख लीजिए कि कोई एक नैया है, नैया में पिता और पुत्र बैठ के एक नदी एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहे हैं।
अब जो बड़ी नैया है, नदी का बहुत बड़ा प्रवाह भी है, तो जो पिताजी है पतवार लेके पूरा पानी ढकेलने का काम कर रहे हैं। उनका बेटा एकदम छोटा सा है, बेटे ने भी हाथ में पतवार पकड़ी हुई है और बेटा भी वो पानी को ढकेलने का प्रयास कर रहा है। अब जो भी पानी ढकेला जा रहा है उसमें मुख्य शक्ति पिताजी की है, वो बेटे की कोई शक्ति नहीं है, एकदम छोटा सा बेटा है। लेकिन बेटे को लगता है कि मैं इस नैया को चला रहा हूँ, मैं इस पानी को ढकेल रहा हूँ, मैं हमको एक किनारे से दूसरे किनारे तक लेकर जा रहा हूँ। तो बेटा बैठा है, बेटे के हाथ में वो पतवार है, ये सारी बातें सच है, लेकिन जो मुख्य शक्ति है वो पिताजी की है। बिल्कुल वैसी ही बात यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि शरीर तुम्हारा है, देह तुम्हारा है, कर्मेंद्रियाँ तुम्हारी है, ज्ञानेंद्रियाँ तुम्हारी है, प्राण तुम्हारे है, कृति भी तुम इसी देह के माध्यम से कर रहे हो, लेकिन जो सारी शक्ति है, जो सारी ऊर्जा है, वो त्रिगुणों के माध्यम से तुम्हें मिलती है। और ये तीन गुण ईश्वर की व्यवस्था है। मुख्य वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है कि जीव प्रत्येक कर्म करने में जीव करता है, देह माध्यम है, ईश्वर कारयिता माने करवाने वाला है, और आत्मा नाम का तत्व अकर्ता है, निष्क्रिय है। इसी आत्मा के अधिष्ठान पर जीव, देह, ईश्वर ये सारे घटक काम करते हैं। आत्मा का अधिष्ठान नहीं होता तो इनमें से एक भी घटक काम नहीं कर पाता। तो मुख्य जो ऊर्जा है जिन तीन गुणों से आई है, वो तीन गुण आत्मा के अधिष्ठान पर काम करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता, अपने मूल आत्मस्वरूप को नहीं जानता, और इसीलिए अपने आप को इस देह में मर्यादित मानता है और सारे कर्मों का कर्तृत्व अपने सर पर लेता है, और इसी का कारण वो दुखी हो जाता है। तो ये सारी फिलॉसफी हम लोग क्यों सीख रहे हैं कि ये कर्तृत्व का अभिमान जो बोझा लेकर हम लोग जी रहे हैं, वो बोझा हमारे सर से उतर जाए और हम लोग शांति, समाधान, उत्साह से सारे काम करें बिना किसी बोझे के। इसलिए हम लोग ये सारा तत्वज्ञान यहाँ पर सीख रहे हैं। यही जो विषय है, तीन गुणों का विषय, ये भगवान 28वें श्लोक में कंटिन्यू करते हैं। तो 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो हो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो अर्जुन, तत्ववित्तु महाबाहो, महाबाहो मतलब महावीर अर्जुन, उसे संबोधन करके यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो तत्ववेत्ते लोग होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो गुण विभाग, कर्म विभाग, इन दोनों को अच्छी तरह से जानते हैं। गुण और कर्म ये दोनों ही आत्मा से भिन्न हैं, ऐसे जानने वाले तत्ववित, तत्वज्ञ लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। और गुणा गुणेषु वर्तन्त, ये जो सारा व्यवहार है, ये जो सारे कर्म है, ये गुणों का आपस में चल रहा खेल है, ये मानकर, ये जानकर, ये समझकर, इति मत्वा न सज्जते, किसी इस व्यवहार में आसक्त नहीं होते। तो 27वें श्लोक में भगवान ने कहा वो अज्ञानी व्यक्ति का काम करने का दृष्टिकोण कहा, वृत्ति कही, और वही जो काम है जब ज्ञानी व्यक्ति करता है तो ज्ञानी व्यक्ति किस दृष्टिकोण से करता है, वो ज्ञानी व्यक्ति का कर्म करने का तरीका, दृष्टिकोण भगवान 28वें श्लोक में कह रहे हैं। सबसे पहले कहते हैं कि परंतु तत्ववित तू, तू शब्द का अर्थ है परंतु। तू ये जो जनरली शब्द उपयोग करते हैं, ये विषय के बदलाव का निर्देश करने के लिए इसका उपयोग करते हैं कि पहले जो तुमने देखा वो अज्ञानी व्यक्ति का था कर्माचरण, अब ज्ञानी व्यक्ति का कर्माचरण। तत्वविद मतलब तत्व को जानने वाला, तत्ववेत्ता ज्ञानी, ये जो व्यक्ति है ये जानता है, ये समझता है। क्या समझता है? गुण कर्म विभाग। गुण कर्म विभाग ये जो शब्द है, इसके टीकाकारों ने दो तरह से अर्थ किए हैं। एक अर्थ है गुण विभाग कर्म विभाग, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो गुण विभाग कर्म विभाग को अच्छी तरह से समझता है और इनके पीछे छुपा हुआ तत्व समझता है, ये पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ टीकाकारों ने किया है कि विभाग शब्द का अर्थ भी आत्मा है, एक अर्थ आत्मा है, ऐसा कई टीकाकार कहते हैं। तो जो तत्ववेत्ते लोग हैं वो गुण कर्म और आत्मा, इनके परस्पर संबंध को जानते हैं। आप दो में से कोई भी अर्थ ले लो, लेकिन उसके पीछे जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी सिंपल है, समान है दोनों ही अर्थ में समझने के लिए।
हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि तत्ववेत्ते पुरुष, गुण विभाग, कर्म विभाग और आत्मस्वरूप, इन तीनों में जो परस्पर संबंध है इसे भली भांति जानते हैं, भली भांति समझते हैं। गुण विभाग क्या है? त्रिगुण से बनी हुई प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक चीज, प्रत्येक पदार्थ ये गुण विभाग में आता है। मेरा शरीर, मेरा देह, मेरी ज्ञानेंद्रिया, मेरी कर्मेंद्रिया, मेरे प्राण, ये सारे घटक तीन गुणों से बने हुए हैं। अष्टधा प्रकृति, कल हमने ये शब्द देखा था कि पांच महाभूत और तीन गुण मिलके अष्टधा प्रकृति बनती है, उसी से ये संपूर्ण सृष्टि बनी है। उसी में मेरा शरीर एक घटक है, तो मेरे शरीर, मेरा जो शरीर है, मेरी जो इंद्रियां हैं, वो त्रिगुणात्मक है, गुणों से बनी हुई है। ये पहला तत्व है जो वेदांत शास्त्र में हम लोग जब विस्तार से सृष्टि निर्मिति की प्रक्रिया सीखेंगे तो ये सारी बातें विस्तार से बाद में आएंगी। हम लोग अभी केवल इतना ही समझते हैं कि शरीर और इंद्रियां त्रिगुणात्मक है, गुण विभाग में आती है। शरीर के माध्यम से हम जो भी पदार्थ लेकर काम करना चाहते हैं, कि मान लीजिए मुझे खाना बनाना है, गर्मी के दिन है, मुझे आम का अचार बनाना है, मुझे आम की खट्टी मीठी चटनी बनानी है, तो उसके लिए मुझे पदार्थ लेने पड़ते हैं कि मैंने कच्चा आम लिया, मैंने गुड़ लिया, मैंने नमक लिया, मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया, मैंने उसे छोंक लगाया। तो ये जो सारे पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ भी त्रिगुणात्मक है। तत्ववेत्ता मनुष्य ये जानता है कि ये सारा गुणों का विभाग है। क्या? मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां और जो पदार्थ लेकर मैं काम कर रही हूँ, ये सारा गुण विभाग है, पहली बात। दूसरी बात, तत्ववेत्ता मनुष्य कर्म विभाग को जानता है कि कोई भी मनुष्य जब कर्म करता है तो ये सारे पदार्थ घटक इकट्ठा करके उसके ऊपर वो कोई प्रक्रिया करता है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे आम की चटनी बनानी है खट्टी मीठी, तो ये सारे पदार्थ मैं पहले प्लेटफॉर्म में रखती हूँ, किचन प्लेटफॉर्म में, फिर मैं उन्हें एक दूसरे में मिक्स करती हूँ। उसके लिए मुझे कोई कृति करनी पड़ती है कि पहले आम को पील करो, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो, फिर उसमें नमक मिलाओ, उसमें लाल मिर्च पाउडर मिलाओ, उसमें गुड़ मिलाओ, फिर उसमें छौंक दे दो। ये जो सारा है ये कर्म विभाग है। तो सारे पदार्थ, शरीर, ये गुण विभाग, और जो भी प्रत्यक्ष कृति करते हैं वो कर्म विभाग। तत्ववेत्ता मनुष्य ये जानता है कि गुणों का विभाग में जितने पदार्थ आते हैं वो सारे पदार्थ, नंबर वन, वो उन्हें उत्पत्ति स्थिति लय है, वो विनाशशील है। दूसरी बात, ये सारे पदार्थ परिवर्तनशील है। जिस देह के माध्यम से मैं आचार बनाने का काम करती हूँ, वो देह मर्यादित है, विनाशशील है, और देह में बदलाव आता है, देह में परिवर्तन आता है। जो पदार्थ लेकर मैं कर्म कर रही हूँ, वो पदार्थ भी विनाशशील है और परिवर्तनशील है। तो गुण विभाग जो है वो सारा, एक, विनाशशील है, दो, परिवर्तनशील है, ये तत्ववेत्ता व्यक्ति भली भांति जानता है। दूसरी बात कि जो कर्म विभाग है, जो प्रत्यक्ष कृति है, ये कृति को भी उत्पत्ति स्थिति लय है। हम लोग निर्मिति का काम करते हैं, मैंने बहुत सुंदर, बहुत यमी, बहुत मैंने अच्छी चटनी बनाई, आम की चटनी बनाई, कितने दिन तक रहेगी? दो दिन, चार दिन, फ्रिज में रखी तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन, उससे ज़्यादा तो ये चीज़ें टिकती नहीं हैं। तो कोई जो भी पदार्थ हम लोग बनाते हैं उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो प्रत्येक जो भी पदार्थ है उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट का अर्थ कि दिस इज़ बाउंड टू एंड, ये कायम टिकने वाला नहीं है। तत्ववेत्ता व्यक्ति गुण विभाग और कर्म विभाग इसके इस परिवर्तनशील स्वभाव को, विनाशशील स्वभाव को अच्छी तरह से समझता है, प्रत्यक्ष कर्म करते हुए समझता है, कर्म करने से पहले और कर्म करने के पश्चात वो उसके इस विनाशशील और परिवर्तनशील स्वभाव को भली भांति जानता है, ये पहली बात। दूसरी बात कि तत्वरूप से न केवल गुण विभाग और कर्म विभाग, लेकिन ये गुण और कर्म जिस आत्मा के अधिष्ठान पर काम कर रहे हैं, उस आत्मा के अधिष्ठान को, आत्मस्वरूप को, आत्मस्वभाव को भी वो अच्छी तरह से जानता है और समझता है। देखिए, ये जो शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, शास्त्रीय शब्द है, इसका हम लोग आज थोड़ा सा विचार करते हैं, थोड़ा सा ठीक से इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। सारे गुण अध्यस्त है, सारे कर्म अध्यस्त है, सारे गुणमय पदार्थ अध्यस्त है,
और वो जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं वो अधिष्ठान आत्मा केवल सत्य है और जितने अध्यस्त पदार्थ है वो सारे के सारे मिथ्या है। ये शास्त्रीय परिभाषा है। पहली बार अगर आप में से किसी ने सुनी है तो थोड़ी कठिन लग सकती है, लेकिन वास्तविक में शब्द भले ही कठिन हो लेकिन संकल्पना कठिन नहीं है। ये वेदांत शास्त्र की बहुत मूलभूत संकल्पना है, ये स्पष्ट होना आवश्यक है। अधिष्ठान, अध्यास और अध्यस्त, ये तीन शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारी श्रुति, सारा वेद वाङ्मय, सारे वेदांत उपनिषद या फिर हमारी भगवद गीता एक मुख से हमें ये कहती है कि ये मर्यादित देह ये मेरा मूल स्वरूप नहीं है। जो अमर्याद असीम अनंत परमात्मा जो निष्क्रिय है, जो निर्गुण है, निराकार है, वो मेरा मूल स्वरूप है, वो मैं हूँ, सहा अहम सोहम। ये सारे वेदांत का, भगवद्गीता शास्त्र का मूलभूत सिद्धांत है। भगवान श्री कृष्ण ने जब दूसरे अध्याय में अर्जुन को ये तत्वज्ञान सिखाना प्रारंभ किया तो यही आत्मा तुम्हारा स्वरूप है, इसी सिद्धांत के साथ उन्होंने अपना प्रबोधन शुरू किया था। अब ये जो आत्मा है, वेदांत श्रुति कहते हैं, शास्त्र कहता है कि आत्मा मेरा मूल स्वरूप है, लेकिन जो मेरी आज की प्रतीति है वो बिल्कुल शास्त्र के सिद्धांत से बिल्कुल विपरीत है। आज मुझे क्या लगता है कि मैं देह हूँ, मैं स्त्री हूँ, मेरा जन्म हुआ था और मेरे कुछ साल में रहूँगी, उसके पश्चात मेरी मृत्यु हो जाएगी, पहले मैं जवान थी, अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो ये जो सारे विकार है ये वास्तविक में देह में हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे विकार मुझ में हो रहे हैं, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरा जन्म हुआ, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मेरी मृत्यु होगी। ये मेरी आज की अपने बारे में समझ है। शास्त्रों में जो सिद्धांत लिखा है और मेरी आज की प्रतीति, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये जो भी निर्गुण निराकार परमात्मा ये मैं हो सकती हूँ, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं समझती। तो शास्त्र का सिद्धांत और हमारा दिन प्रतिदिन की प्रतीति, इनमें ये जो गैप है, ये गैप को फिलअप करने के लिए शास्त्रकारों ने इस तरह ही अध्यास नाम की संकल्पना हमारे सामने रखी है। भगवान श्री शंकराचार्य, इन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर जब टीका लिखी थी तो ब्रह्मसूत्र की टीका लिखते समय उन्होंने अध्यास इस शब्द का और इस संकल्पना का पहले उपयोग किया था। अध्यास शब्द का अर्थ है आसान भाषा में आभास, भ्रम। अतद तद बुद्धि, ऐसी उसकी शास्त्रीय व्याख्या है। अतद मतलब जो नहीं है, तद बुद्धि वो है, इस तरह की बुद्धि होना उसे कहते हैं आभास, उसे कहते हैं भ्रम, उसे कहते हैं अध्यास। अतद तद बुद्धि, जो चीज़ जहाँ पर नहीं है वहाँ पर वो है, इस तरह भ्रम निर्माण होना मन में, उसे कहते हैं अध्यास, आभास या भ्रम। कोई भी भ्रम व्यवहार में होने के लिए अधिष्ठान होना आवश्यक होता है। अधिष्ठान वो है जिसके आधार पर भ्रम होता है, और भ्रम होने के पश्चात जो वस्तु हमें गलती से दिखाई देती है उस दिखाई देने वाली वस्तु को अध्यस्त कहते हैं। वेदांत में ये घटना समझाने के लिए बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, उसे कहते हैं रज्जू सर्प का उदाहरण। पुराने ज़माने में लाइट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, शाम को जब अंधेरा हो जाता था तो अंधेरे में जो सायंकाल के समय पे घर में दिया लगाना पड़ता था, और अगर दिया बहुत ब्राइट नहीं है, प्रकाशमान नहीं है, तो उस समय जो चीज़ें हैं वो स्पष्टता से दिखाई नहीं देती थी। मान लीजिए कि ऐसे कोई संध्या का समय है जब घर में पूरा प्रकाश नहीं है, थोड़ा बहुत प्रकाश है, मंद प्रकाश है, और घर में एक बड़ी सी रस्सी, रज्जू जिसे कहते हैं, कोने में पड़ी है। दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मानो वहाँ पर सांप है। ये जो घटना है इसे वेदांत की परिभाषा में अध्यास कहते हैं। रज्जू हुई अधिष्ठान, क्योंकि वहाँ पर रज्जू है इसलिए भ्रम निर्माण हुआ। तो रज्जू वो अधिष्ठान है जिसके आधार पर वो अध्यास निर्माण हुआ। अध्यास माने रज्जू के ऊपर सर्प दिखने की प्रक्रिया, और जो प्रत्यक्ष सर्प वहाँ पर कुछ समय के लिए दिखाई देता है उस सर्प को वेदांत की परिभाषा में अध्यस्त कहते हैं। तो सर्प हुआ अध्यस्त, रज्जू हुई अधिष्ठान, और रज्जू के ऊपर सर्प दिखने की प्रक्रिया को कहते हैं अध्यास।
ये जैसे उदाहरण में है, बिल्कुल उसी तरह शास्त्रकार कहते हैं कि मूलतः इस संपूर्ण सृष्टि में केवल ब्रह्म नाम का तत्व है, आत्मा नाम का तत्व है, जो निर्गुण निराकार है, निष्क्रिय है। वो पंच ज्ञानेन्द्रियों से या अंतःकरण के माध्यम से दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो है। और उसी आत्मा के अधिष्ठान पर ये संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के सारे पदार्थ अध्यस्त है। तो आत्मा अधिष्ठान है और सृष्टि के सारे पदार्थ अध्यस्त है। तत्ववित्त महाबाहु, जो तत्व जानने वाला व्यक्ति है, वो इस सृष्टि के सारे पदार्थों के पीछे छुपा ये जो अधिष्ठान है, आत्मा नाम का अधिष्ठान, इसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव है। भले ही वो इंद्रियों से दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, फिर भी वो अपने सूक्ष्म विचार से उसने उस तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव लिया है। इसलिए गुण विभाग, कर्म विभाग और उनके पीछे छुपा ये जो अधिष्ठान है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, इसे ये ज्ञानी व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है, समझता है। और ये जानकर आगे जो महत्वपूर्ण बात आती है वो है गुणा गुणेषु वर्तन्त। इसके पहले कि हम लोग दूसरे लाइन की तरफ जाएंगे, जो पहली लाइन है कि जिसमें ये जो तत्व वेत्ता है, ज्ञानी पुरुष है, वो गुण विभाग, कर्म विभाग और आत्मा, इनमें जो संबंध है वो भली भांति समझता है। संबंध क्या है कि सारे गुण सारे कर्म अध्यस्त है। अध्यस्त माने भ्रमरूप है, माने वो सत्य नहीं है, टिकने वाले नहीं है। टिकने वाली एक ही वस्तु है और वो है आत्मा, वो है अधिष्ठान। और जो अधिष्ठान है वो अधिष्ठान के ऊपर अपना सारा ध्यान जमाते हैं और वो ध्यान जमाकर उस सत्य वस्तु को जानकर उसी के अनुसंधान में रहते हुए अध्यस्त पदार्थों के साथ अध्यस्त कोई क्रिया करते हुए वो अपना सारा व्यवहार करते हैं। उदाहरण हमने कई बार पहले देखा है दूसरे प्रवचनों के समय पर कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, हम लोग सिनेमा देखने के लिए चले गए, तो सिनेमा देखने के समय पर पीछे एक स्क्रीन होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है कि जिसने कभी थिएटर में जाके सिनेमा नहीं देखा, पहली बार कोई छोटा सा बच्चा है, सिनेमा देखने के लिए अगर थिएटर में गया और उसने देखा कि वहाँ पे तो बहुत अच्छे क्या बर्फीले पहाड़ है, वहाँ पे नीला आसमान है, फिर थोड़े समय बाद दिखाई दिया कि वहाँ पे आग जल रही है, फिर थोड़े समय के बाद देखा तो वहाँ पे सुंदर समंदर है, फिर वहाँ पर कोई एक बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो जो छोटा बच्चा है वो सारे उस पिक्चर को सत्य मान लेता है। और पिक्चर समाप्त होने के बाद उसके पिताजी कहते हैं कि वो देखो, ये सब कुछ जो तुमने देखा ना, ये सत्य नहीं था, ये केवल एक सिनेमा था, केवल एक काल्पनिक बातें थी। और ये जो स्क्रीन है ना वहाँ पर, यही है, यही स्क्रीन के ऊपर ये पूरा पिक्चर प्रोजेक्ट हुआ था। तो छोटा बच्चा ये बात समझ नहीं पाता, कि छोटे बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं अभी तो इतना मुझे सच लगा था, ये जो पढ़ाई लड़ाई हुई, ये जो यहाँ पर खून खराबा हुआ, ये जो यहाँ पर लोग मारे गए। तो फिर पिताजी कहते हैं कि नहीं बेटा, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। देखिए, जब सिनेमा की स्क्रीन पर सिनेमा दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कितनी बड़ी अग्नि क्यों न हो, उस अग्नि से वो सिनेमा की स्क्रीन नहीं जलती। वहाँ पे कितना बड़ा तूफान क्यों ना हो, लेकिन उस तूफान से वो सिनेमा की स्क्रीन फटती नहीं है। वहाँ पे कितना बड़ा समंदर क्यों ना हो, उस समंदर से वो स्क्रीन गीली भी नहीं होती। वहाँ पे कितना ही खून खराबा क्यों ना दिखाए, लेकिन वो प्रत्यक्ष स्क्रीन पर कोई परिणाम नहीं होता। स्क्रीन है इसलिए पिक्चर दिखाई देती है, लेकिन पिक्चर में जितनी सारी कृति होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उससे उस स्क्रीन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे सिनेमा के उदाहरण है, बिल्कुल वैसे हमारे इस जीवन के सिनेमा में हो रहा है कि ये सारी क्रियाएं हो रही है क्योंकि आत्मा की इनविजिबल स्क्रीन, अधिष्ठान उसके पीछे है। आत्मा का अधिष्ठान नहीं होता तो ये सृष्टि की पिक्चर कभी चलती ही नहीं, हम लोगों का जन्म भी नहीं होता और हम लोगों के व्यवहार भी नहीं होते। ये बात जितनी सत्य है कि आत्मा का अधिष्ठान है, इसलिए ये मायामय सारा प्रपंच, सारा व्यवहार चल रहा है। लेकिन ये व्यवहार जितना भी अच्छा क्यों ना हो, जितना भी बुरा क्यों ना हो, उससे ये आत्मरूप अधिष्ठान में कोई फर्क नहीं आता, कोई विकार नहीं होता। आत्मा नाम का अधिष्ठान हमेशा असंग है, निर्लेप है, अलिप्त है। तत्ववित्तु, तत्वज्ञान जानने वाले लोग अधिष्ठान अध्यास के इस प्रक्रिया को समझते हैं
गुण अध्यस्त है, कर्म अध्यस्त है, इन बातों को समझते हैं, और इसलिए जो पहली लाइन है उसमें केवल सिद्धांत कहा गया है। दूसरी लाइन में उसमें भगवान उसका एप्लीकेशन कहते हैं कि गुणा गुणेशु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। जो भी चल रही है वो केवल पिक्चर है, गुणा गुणेशु वर्तन्त। ये सारा जो भी हमने अभी अधिष्ठान अध्यास जो सारे संकल्पनाएं पढ़ी, तो एक प्रश्न निर्माण होता है मन में कि इन सारी बातों का मेरे जीवन से क्या कनेक्शन है। तो मेरे जीवन से ये कनेक्शन है कि मुझे अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में रोज़ बाहर जाकर लोगों के साथ व्यवहार करने पड़ते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो मेरे मर्जी के जैसे बर्ताव करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि जो मेरे मर्जी के जैसा व्यवहार नहीं करते, और जब कोई अनुकूल व्यवहार होता है तो उससे मुझे सुख होता है, प्रतिकूल व्यवहार होता है तो उससे मुझे कष्ट होता है कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे तरफ इस तरह से क्यों देखा, उसने मेरा अपमान क्यों किया, उसने मेरी निंदा क्यों की, उसने मुझे इस तरह से क्यों डिसीव किया। तो ये जो सारा व्यवहार होते हैं उससे हम बहुत व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, कष्टी होते हैं। लेकिन जो तत्वज्ञानी व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, वो जानता है कि ये सारा व्यवहार गुणा गुणेशु वर्तन्त केवल तीन गुणों का एक दूसरे के साथ हो रहा खेल है, हो रही क्रीड़ा है। ज्ञानी मनुष्य ये जानता है कि मैं स्वयं, ये मेरा देह तीन गुणों की प्रेरणा से चल रहा है। वैसे बिल्कुल उसी तरह सामने वाले मनुष्य के व्यक्ति का देह भी तीन गुणों की प्रेरणा से ही काम कर रहा है। शब्द है, शब्द अच्छा नहीं, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पर करना आवश्यक है कि जैसे कोई व्यक्ति ने मदिरा प्राशन कर ली, दारू पी ली, तो वो दारू के नशे में काम करता है, और कुछ अनाप शनाप भी कहते तो हम लोग कहते कि नहीं उसने ना पी रखी है, ध्यान मत दो, जब उतर जाएगी तो उसके बाद उससे बात करेंगे हम लोग। अमल के नीचे है, नशा के नीचे है, इसलिए हम लोग उसके व्यवहार को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बिल्कुल उसी तरह हमारे व्यवहार में जितने सारे लोग हैं वो तीन गुणों के प्रभाव के नीचे होते हैं। दूसरी भाषा में तीन गुणों का जो प्रभाव है, उसकी जो नशा है, उसका जो अमल है, उसका जो प्रभाव है, उसी प्रभाव के अनुसार सामने वाला व्यक्ति काम करता है। अगर जैसे देखिए कि प्रत्येक व्यक्ति का, हमने कल देखा था कि एक डिफ़ॉल्ट गुणों का कॉम्बिनेशन, गुणों का प्रपोर्शन देके ईश्वर ने इस सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य को जन्म दिया है। उसने बाय डिफ़ॉल्ट किसी व्यक्ति में रजोगुण ज़्यादा किया, बाय डिफ़ॉल्ट किसी में सत्वगुण ज़्यादा किया, बाय डिफ़ॉल्ट किसी में तमोगुण ज़्यादा किया। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक एक नैसर्गिक प्रकृति लेकर प्रत्येक मनुष्य का जन्म हुआ है। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया, किसी को ज़्यादा सात्विक और किसी को ज़्यादा तामसिक क्यों बनाया? क्योंकि वो जो व्यक्ति है उनका अपना ही पूर्व कर्म है, वो भोगने के लिए एक विशिष्ट स्वभाव ईश्वर ने दिया, और वो स्वभाव बनाने के लिए एक विशिष्ट तीन गुणों का कॉम्बिनेशन प्रत्येक व्यक्ति को डिफ़ॉल्ट मिला है जन्म के समय। तत्वविद व्यक्ति, तत्वज्ञ व्यक्ति ये बात अच्छी तरह से जानता है। सामने उसका जब कोई एक मनुष्य आया, एक मनुष्य आके बहुत अनाप शनाप उसे कहकर गया, बहुत भली बुरी बातें कही, तो तत्वज्ञ व्यक्ति ये अंदर से समझता है कि केवल तीन गुणों का कॉम्बिनेशन है, आज अभी इस समय ये तमोगुण के प्रभाव के नीचे है, इसलिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो वो व्यक्ति की तरफ एक गुणों का कॉम्बिनेशन इस दृष्टि से केवल देखता है, और इसलिए दूसरे व्यक्ति ने गुस्सा किया, दूसरे व्यक्ति ने मुझे निंदा की, दूसरे व्यक्ति मेरे ऊपर चिल्लाई, इसका उसे अपने अंदर के अंतर स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तत्वज्ञ व्यक्ति विचलित नहीं होता, और विचलित न होना ये इस प्रणाली का मुख्य उद्दिष्ट है। हम लोग ऐसा है कि न केवल वो व्यक्ति जिनसे हम संबंधित है, कई सारे ऐसे व्यक्ति की जिनका हमसे कोई संबंध नहीं, हम लोग केवल उन्हें देखकर, केवल उनकी तस्वीरें देखकर भी हम लोग विचलित हो जाते हैं। अब अंबानी के घर में इतनी बड़ी शादी हो गई, वहाँ पर जो लोग गए थे उनकी रोज़ आए दिन व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ आती थी, फेसबुक पे आती थी, टीवी पे आती थी, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े सप्लीमेंट्स, केवल अंबानी के घर पे कौन कौन गया, शादी में कौन गया और कौन लोग आए थे, उन्होंने कौन से कपड़े पहने थे। तो जैसे ही मैं वो पिक्चर्स देखती हूँ, अब वो शादी से और वो शादी में जितने मेहमान आए हैं उनसे मेरा अपने पर्सनल निजी जीवन में कोई संबंध नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं कितनी सुंदर साड़ी है, कितने सुंदर कपड़े हैं, देखो उसने कितना मैचिंग पहन के रखा है, देखो दिखने में कितनी सुंदर है, कितना सुंदर उसका ड्रेसिंग सेंस है, और फिर या तो रिसेप्शन कितना अच्छा है, वो डेकोरेशन कितना अच्छा है, वो लाइट्स कितने अच्छे हैं, वो फूल कितने अच्छे हैं। हम लोग उसी विचार के प्रवाह में बहते चले जाते हैं, जिन चीज़ों का, जिन लोगों का, जिन बातों का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह जब हम कोई घटना देखते हैं, वो घटना, वो लोग, उन्हें हम सत्यत्व देते हैं, और सत्यत्व देते हैं इसलिए उन सारी बातों का मेरे ऊपर अनुकूल प्रतिकूल परिणाम होता है, और मन ही मन में कोई ना कोई विकार उठता है कि मेरे पास इतने अच्छे कपड़े होते तो कितना अच्छा होता, ये डायमंड नेकलेस अगर मुझे मिलता तो कितना अच्छा होता। शुरू हो गई विचारों की ट्रेन, हमारी श्रृंखला शुरू हो गई। तत्वज्ञ व्यक्ति इस तरह विचार के प्रवाह में बहता नहीं है। कोई व्यक्ति बंठन के चली है तो वो रजोगुण के प्रभाव के नीचे है, इसलिए इस तरह बंठन के जा रही है। कोई व्यक्ति बहुत चिल्ला रही है तो वो तमोगुण के अमल के नीचे है। कोई व्यक्ति 2 घंटे बैठकर शांति से पढ़ाई कर रही है तो सत्वगुण के नीचे है। तो सामने वाले व्यक्ति के गुणों के कॉम्बिनेशन को पहचानता है तत्वज्ञ व्यक्ति, पहली बात। दूसरी बात, जो उसके अपने अंदर गुणों का कॉम्बिनेशन है वो उसे अपने ज़रूरत के अनुसार कंट्रोल कर पाता है। अज्ञानी और मूढ़ व्यक्ति स्वयं गुणों के नियंत्रण के अंदर होते हैं। गुण जैसे उन्हें नचाते हैं वैसे वो सामान्य व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति नाचते हैं, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है वो स्वयं गुणों को नचाता है। अगर ज्ञानी व्यक्ति को, पुरुष को सत्वगुण का आधार लेना है और एक जगह पर शांति से बैठना है, कुछ ज्ञान ग्रहण करना है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण विचार अभ्यास करना है, तो वो वैसा विचार कर पाते हैं शांति से एक जगह पर बैठ के। जब प्रबोधन का समय आता है तो उन्हें भी रजोगुण का सहारा लेकर ही प्रबोधन करना पड़ता है। कोई भी कृति करने के लिए रजोगुण लगता है, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो बोलना हो, तो उसके लिए रजोगुण का स्वीकार करना पड़ता है। ज्ञानी पुरुष को भी नींद के समय, सोने के समय तमोगुण का स्वीकार करना पड़ता है। तो फर्क यह है कि ज्ञानी व्यक्ति 3 गुणों का उपयोग करके अपना स्वयं का व्यवहार करता है। दूसरों से व्यवहार करते हुए दूसरा व्यक्ति किस गुण के इन्फ्लुएंस के नीचे है उसे अच्छी तरह से जज कर पाता है, और ये जो भी व्यवहार हो रहा है उसके अपने साथ या दुनिया में हो रहा है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। बहुत सुंदर दृष्टिकोण है सृष्टि की तरफ देखने का। अगर इसमें से थोड़ा सा भी विचार हम लोग हमारे जीवन में कर पाए कि उसने मुझे ये क्यों कहा, क्योंकि गुणा गुणेशु वर्तन्ते, 3 गुणों का खेल है, 3 गुणों की क्रीड़ा चल रही है, इति मत्वा न सज्जते, तत्वज्ञ व्यक्ति उनमें आसक्त नहीं होता, उनमें चिपक के नहीं बैठता। चाहे कोई भी कर्म वो स्वयं करे, कितना भी बड़ा कर्म क्यों न करे, वो कर्म करने के पश्चात, चाहे बहुत बड़ा प्रबोधन हो, चाहे बहुत बड़ा लेखन हो, समर्थ रामदास स्वामी है हमारे, उन्होंने इतने बड़े दासबोध ग्रंथ की रचना की और अंत में उन्होंने लिख के रखा कि सकल करणे जगदीशाचे तेथे कवित्वचे काय मानुषाचे। ये पूरी की पूरी ग्रंथ निर्मिति केवल जगदीश ने की है, मैंने जगदीश के कृपा से मैंने की है ऐसा भी नहीं कहते, कहते हैं कि ये पूरी की पूरी निर्मिति स्वयं जगदीश ने की है। तो मनुष्य का इसमें क्या रोल है, क्या भूमिका है? ऐसे संत महात्मा होते हैं तो इस दृष्टिकोण से सारा गुणों का व्यवहार है, समझते हैं, आसक्त नहीं होते, लेकिन फिर भी जोशयेत सर्वकर्माणि, अत्यंत उत्साह से अपने कर्म करते हैं, और कर्म करते हुए उन कर्मों में, कर्म के फलों में, कर्म की परिस्थिति में, जिन लोगों के लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया उन लोगों में, उस परिस्थिति में किसी में भी वो न सज्जते, लिप्त नहीं होते, आसक्त नहीं होते। कर्म करने का एक अत्यंत आदर्श तरीका है जो हमें यहाँ पर भगवान कहते हैं। और ये जो सारा विषय है ये 29वें श्लोक में आकर इस संपूर्ण गुणों के विषय का यहाँ पर उपसंहार होता है, जहाँ पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत। तो मंत्र का अर्थ है, प्रकृति के गुणों के कारण संभ्रमित लोग, सम्मूढ़ा मतलब संभ्रमित लोग, सज्जन्ते गुण कर्मसु, सज्जन्ते मतलब आसक्त होते हैं, किस में आसक्त होते हैं, गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं।
तान कृत्स्न विदो मंदान। ये जो मंद बुद्धि वाले लोग हैं, मंद कहाँ है यहाँ पर, ये जो मंद बुद्धि वाले, ये सब बातें न जानने वाले लोग, अज्ञानी लोग, पूर्ण ज्ञानी पुरुष ने स्वयं कर्मत्याग करके इन अज्ञानी पुरुषों को आत्मघात के मार्ग की ओर प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे फिर एक बार सूचना दी गई है, जो इस पारमार्थिक क्षेत्र में ज्ञानी व्यक्ति है, आत्मज्ञानी है, संत महात्मा है, श्रेष्ठ पुरुष है, उन्हें एक सूचना दी गई है कि जो मंद बुद्धि लोग हैं। अब देखिए, पहली बार जब हम लोग ये श्लोक पढ़ते हैं तो ये शब्द सुन के हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता। अब हम लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में हमने डिग्री ली हुई है, लेकिन बार बार जब भगवद गीता में आते हैं तो भगवान कभी कहते हैं तुम मूढ़ हो, कभी कहते हैं तुम सम्मूढ़ हो, कभी कहते हैं अज्ञानी हो, कभी कहते हैं मंद बुद्धि हो। तो ये सारे शब्द भगवान ने हमारे लिए उनका उपयोग किया है। बार बार ये बातें सुनते हुए पहले मुझे तो अच्छा नहीं लगता था कि क्या भगवान मुझे मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं, मैं क्या पागल हूँ, मैं क्या बातें समझती नहीं हूँ। तो ऐसा है कि जब तक हमें देह तादात में है, जब तक हम लोग इस लिमिटेड देह के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, तब तक पारमार्थिक दृष्टि से हम लोग मंद बुद्धि है। हम लोग व्यवहार में कितने भी बड़े स्मार्ट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा हमारा IQ क्यों ना हो, लेकिन हम पारमार्थिक दृष्टि से मंद बुद्धि है। और ऐसे हम जैसे लोगों के लिए भगवान ने यहाँ पर सूचना दी है, ज्ञानी व्यक्ति को, कि तुम स्वयं कर्म त्याग मत करो, स्वयं सारा काम धाम छोड़ के किसी गुफा में जाकर ना बैठ जाओ, स्वयं काम करो, उत्साह से काम करो, और इन सारे लोगों को सदाचार के मार्ग की तरफ, सन्मार्ग में प्रवृत्त करो। इन लोगों का जैसे भगवान ने कहा था पहले कि बुद्धि भेद मत करो, यहाँ पे कहा है कि उन्हें आत्मघात करने पर मजबूर मत करो। आत्मघात कब होगा? अगर इस भगवद गीता के स्पिरिट को हम लोग ठीक तरह से नहीं समझे, और भगवद गीता के स्पिरिट को ना समझते हुए हम लोगों ने अपना कर्तव्य कर्म ठीक से नहीं किया, जो भी देशकाल परिस्थिति अनुसार हमारे भाग में आया है वो कर्तव्य कर्म अगर मैंने छोड़ दिया, तो इस तरह का जो व्यवहार वो उचित व्यवहार नहीं है। फिर व्यवहार में भी हमें जो व्यवहारिक कल्याण है उसकी प्राप्ति नहीं होगी, और जो परमार्थिक कल्याण है उसकी भी हमें प्राप्ति नहीं होगी, आत्मघात होगा। तो पारमार्थिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पूर्व तैयारी है, वो पूर्व तैयारी में चित्त शुद्धि का भाग आता है, और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्म और उपासना, इनका आचरण शास्त्र विहित पद्धति से हो, जैसा भगवान ने कहा उसी तरह से हो, संत महात्माओं ने कहा उसी तरह से ये आचरण हो, तभी चित्त की शुद्धि होगी, और तभी वो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर उस मार्ग पर अग्रसर होगा। अगर ये नहीं करेगा, डायरेक्टली कर्म और उपासना को बाईपास करके अगर वो आत्मज्ञान की तरफ जाना चाहेगा, तो वो उसके लिए आत्मघात है। और भगवान यहाँ पर चेतावनी देते हैं श्रेष्ठ, इस पारमार्थिक क्षेत्र में जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको, कि तुम्हें जनक राजा की तरह अविरत काम करना चाहिए, लीड बाय एग्जाम्पल। तुम्हें देख के बहुत सारा समाज प्रभावित होने वाला है, तुम्हें फॉलो करने वाला है, तो लोगों का बुद्धिभेद मत करो, लोगों का आत्मघात मत करो, उन्हें इस पूर्व तैयारी के लिए स्वयं भी काम करो, और ये आत्मज्ञान की पूर्व तैयारी के लिए उन्हें भी प्रेरित करो। तो ये सारा विचार 29वें श्लोक तक कहने के पश्चात अब भगवान 30वें श्लोक में जाते हैं, जो तीन गुणों का विचार उन्होंने 27, 28 और 29 इन तीन श्लोकों में प्रमुखतः किया था, वो विभाग वहाँ पर समाप्त होता है। और तीसवा जो श्लोक है वो बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, उसका अर्थ पढ़ते हैं, और फिर उसका थोड़ा विवेचन देखने का प्रयास करेंगे। तो भगवद गीता का अध्याय 3 30वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरहा। हे अर्जुन, भगवान कहते हैं कि चित्त के द्वारा आत्मा के साथ निष्ठा रखकर अध्यात्म चेतसा, तुम्हारे चित्त से, चेतस से आत्मा के साथ निष्ठा रखो। पहली बात, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये कर्म करो और फिर वो सारे मुझे अर्पण कर दो। दूसरी बात, निराशिर निर्ममो भूत्वा, निराश होकर माने फल की आशा पूरी तरह से छोड़कर, निर्ममो वृत्ति से ममता का त्याग करके,
युद्धस्व, अर्जुन तुम युद्ध करो। और किस तरह युद्ध करो, तो विगत ज्वरहा, ज्वर शब्द का अर्थ है यहाँ पर क्रोध, संताप। तो संताप को छोड़कर युद्ध करो, आशा छोड़कर, ममता छोड़कर, संताप को छोड़कर तुम युद्ध करो। ये बात भगवान दूसरे लाइन में कहते हैं। और पहले लाइन में कहते हैं कि तुम्हारे चित्त से आत्मा के साथ निष्ठा रखो और सारे कर्मों का मेरे चरणों में त्याग कर दो, मुझे इन सारे कर्मों को अर्पण कर दो। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर भगवान ने कही है जो हमारे साधक अवस्था में आवश्यक है, हमारे पारमार्थिक, व्यावसायिक, प्रापंचिक सारे जीवन में आवश्यक ये सूचनाएं हैं। भगवद गीता में जितने सारे श्लोक आते हैं उनका कई तरह से वर्गीकरण किया जाना संभव है। कई सारे श्लोक सिद्धांत के श्लोक होते हैं जिसमें कुछ तात्विक बातें कही जाती हैं, कई साधना पर होते हैं जिसमें साधना के लिए मार्गदर्शन होता है, कई सारे श्लोक हैं जिसमें केवल व्यावहारिक बातें कही गई है कि व्यवहार किस तरह किया जाए, कई सारे श्लोकों में आहार विहार आचरण की बातें आई है, युक्ताहार विहारस्य, कई सारे श्लोक है जिसमें भगवान ने आश्वासन दिया है, हमें रीअश्योरेंस दिया है, योगक्षेमम वहाम्यहम हम। और ऐसे श्लोक हमें बहुत अच्छे लगते हैं कि भगवान ने हमें कुछ प्रॉमिस किया है, कुछ आश्वासन दिया है, मैं तुम्हारा योगक्षेम चलाऊंगा, तो ये श्लोक हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर कई सारे श्लोक हैं कि जिसमें भगवान हमारे लिए सूचना देते हैं, वास्तविक में मैं कहना चाहूँगी कि भगवान हमारे लिए आज्ञा देते हैं, लेकिन आज्ञा का अर्थ है कि जिसका कभी उल्लंघन नहीं हो सकता। लेकिन भगवान ने स्वयं गीता के अंत में कहा है कि यथेच्छसि तथा कुरु, ये सारी बातें कहना मेरा काम है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, प्रबोधन करना मेरा काम है, इसमें से तुम्हें क्या सुनना है, तुम्हें क्या करना है, दैट इज़ योर चॉइस। तुम्हें युद्ध करना है तो करो, यथेच्छसि तथा कुरु। तो भगवान ने ये स्वातंत्र हमें दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर कहूँगी कि भगवान की ये हमारे लिए सूचनाएँ हैं। अगर हमें भगवान से आश्वासन चाहिए कि योगक्षेमम वहाम्यहम, भगवान हमारा योगक्षेम चलाए, ऐसी अगर हमारी भगवान से अपेक्षा है, तो उसके पहले भगवान की सूचनाओं का पालन करना आवश्यक है। सूचना क्या दी है भगवान ने, वो सूचना यहाँ पर सबसे पहली बात है कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, सारे कर्मों का संन्यास करो, माने वैचारिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से त्याग करो, समर्पण करो, ये पहली बात। दूसरी बात, तुम्हारा चित्त आत्मनिष्ठ रहे। तीसरी बात, तुम निराश हो जाओ। चौथी बात, निर्मम हो जाओ। पांचवी बात, संताप रहित हो जाओ। और इस अवस्था में अर्जुन तुम उठकर युद्ध करो। युद्ध करो माने हमारे लिए भगवान कह रहे हैं कि इस तरह का तुम्हारा दृष्टिकोण वृत्ति बनाकर उसके पश्चात तुम युद्ध करो, माने अपना कर्तव्य करो, ऐसा भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो देखिए, हम लोग एक एक बात का, एक एक सूचना का हम लोग विस्तार से विचार करते हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य। अब ये थोड़ा सा हमें कॉन्ट्राडिक्टरी लग सकता है कि पहले लाइन में भगवान ने कहा कि तुम सारे कर्मों का संन्यास करो, माने त्याग करो, अब दूसरे लाइन में कहते हैं भगवान कि तुम उठ के युद्ध करो। तो मैं कर्म का त्याग करूं या फिर मैं युद्ध करूं, मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, और ऐसे कॉन्ट्राडिक्टरी बातें भगवान क्यों कहते हैं, ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। लेकिन ये सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य के पीछे भगवान ने लिखा है मई, और यहाँ पर संन्यास शब्द का मुख्यतः अर्थ है समर्पण वृत्ति। ये जो समर्पण वृत्ति है, संन्यास शब्द का एक अर्थ होता है त्याग, तो यहाँ पर कर्म का त्याग नहीं करना है। तो कर्म के पीछे जो हमारी वृत्ति है, नॉर्मली हम लोग जो काम करते हैं वो अहंता और ममता के साथ करते हैं। अहंता का अर्थ है अभिमान, मैं कर्म कर रहा हूँ, ये कर्तृत्व का अभिमान। ममता मतलब मेरे शक्ति का, मेरे क्षमता का, मेरे बुद्धि का उपयोग करके मैं काम कर रही हूँ, या फिर मेरे लोगों के लिए, मेरे किसी समाज के लिए, मेरे किसी संस्था के लिए मैं काम कर रहे हूँ। तो अहंता ममता का भाव लेकर हम काम करते हैं, ये पहली बात। जब भगवान कहते हैं कि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, उसमें भगवान को मुख्यतः ये कहना है कि तुम कर्मों का संन्यास न करो, लेकिन संन्यस्त वृत्ति से कर्म करो। संन्यास शब्द का फॉर्मल अर्थ है चतुर्थाश्रम संन्यास, जिसमें हमने देखा है कि हमारे भारत की संस्कृति में, परंपरा में ये कहा गया है कि चार आश्रम होते हैं, उनमें से मनुष्य को ये स्वातंत्र है कि अपने घर गृहस्थी छोड़ के, पुराने ज़माने में ये बहुत होता था कि
भगवे वस्त्र परिधान करके और अपना सारा जो पूर्व जन्म के कर्तव्य लोग और जो भी हमारा उत्तरदायित्व है वो सब छोड़ के फॉर्मल संन्यास लेके चतुर्थाश्रम संन्यास लेकर लोग संन्यास आश्रम में रह सकते थे। आज भी हमारे यहाँ कई सारे लोग हैं जो संन्यासी बन के रहते हैं, कॉमन नहीं है। लेकिन हम जैसे घर, अब अर्जुन तो कोई संन्यास लेने वाला नहीं था, तो अर्जुन के लिए और हमारे लिए जो सूचना है वो मुख्यतः ये है कि काम तुम्हारे घर गृहस्थी के ही करो, व्यवसाय के ही करो, लेकिन संन्यस्त वृत्ति से करो। संन्यस्त वृत्ति कैसे विकसित की जाए, तो उसका उत्तर हमारे संत ज्ञानेश्वर महाराज हमें देखिए सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ वाङ्मय में दिए गए हैं, हमें बस वो उत्तर ढूंढने होते हैं और उसे अप्लाई करना पड़ता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने हमारे कह के रखा है कि आणि मी माझे ऐसी आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण पार्था तो संन्यासी जाण निरंतर। मी आणि माझे ऐसी आठवण, मैं और मेरा ये स्मृति जिसके अंतःकरण से पूरी तरह जा चुकी है, ऐसा जो योगी वही संन्यासी निरंतर है, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। मैं और मेरा ये स्मृति मन से चली जाए, और स्मृति मन से चली जाए माने जो संत महात्मा होते हैं क्या वो नहीं जानते। अब हमारे साहब हमने देखा हमारे संस्कृति में बहुत सारे संत महात्मा होकर गए हैं जिन्होंने चतुर्थाश्रम संन्यास नहीं लिया, वो अंत तक अपने घर गृहस्थी में रहे, अपने व्यवसाय में रहे, लेकिन व्यवसाय में रहते हुए घर गृहस्थी में रहते हुए भी उनकी जो सोच थी वो सोच केवल मेरा देह और मेरा परिवार, हम दो, हमारे दो, ऐसी उनकी सीमित सोच नहीं थी। उनकी सोच कैसी थी कि हे विश्वची माझे घर, हे विश्वची माझे घर मतलब ये संपूर्ण विश्व मानो मेरे परिवार के समान है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, ज्ञानेश्वर महाराज ने जब पसायदान मांगा है अपने ज्ञानेश्वरी के अंत में, उन्होंने संपूर्ण विश्व के कल्याण की कल्पना वहाँ पर की है। विश्व स्वधर्म सूर्य पाओ, जोजे वांछील तोते लाहो प्राणी जातव, जिस प्राणी को जिस वस्तु की इच्छा हो उसे वो मिल जाए, सारे प्राणी सुखी हो जाए। संपूर्ण विश्व कल्याण की आस्था, संपूर्ण विश्व कल्याण की इच्छा हमारे संत महात्मा रखते हैं, वो उनके घर गृहस्थी में रहते हुए भी, उनके परिवार वालों के प्रति अपना कर्तव्य करते हुए भी, उनकी जो सोच है वो अपने स्वयं के देह और स्वयं के परिवार तक सीमित नहीं रहती। वो सारे लोगों को अपना मानते हैं, उतना ही अपना मानते हैं जितना वो अपने खूनी रिश्तों को अपना मानते हैं। बार बार अब एक बात मुझे अभी बोल रही थी तो मुझे बात याद आ गई, जो हमारे गुरुजी हैं हमने उन्हें करीब से देखा है इसलिए मैं उनके चरित्र की बातें बार बार कह सकती हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सारे संत महात्माओं के चरित्रों में ये किस्से कॉमन हैं, तो हमारे गुरुजी पुराने ज़माने में बहुत सारी जगह पर छोटे छोटे गांव में जाकर प्रवास करते थे, यात्रा करते थे, लोगों के घर में जाकर 3-4 दिनों तक रहते थे, वहाँ पर उनका प्रबोधन होता था, उनके अभ्यास वर्ग होते थे, प्रवचन होते थे। जिस घर परिवार में जाकर वो रहे हैं, माने वो 3 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, इतने घुल मिल जाते थे कि सारे परिवार वालों को लगता था ये तो हमारे परिवार के ही सदस्य हैं, ये तो हमारे ही हैं, इतना लगाव सारे लोगों को उनके प्रति निर्माण हो जाता था। तो 4 दिन हुआ इकट्ठा रहे, हंसी मजाक से बातें हुई, एक साथ खाना खाया, जो भी आध्यात्मिक बातें थी वो बातें हुई, लेकिन जब घर से जाने का समय आता था तो सारे लोग बहुत भावुक हो जाते थे कि अरे ये तो अब इनके जाने का समय आ गया, वो अब चले जाएंगे, तो सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे, उनके हृदय सदगद हो जाते थे। और गुरुजी जो इतने प्यार से इतने घुलमिल के उस परिवार में रहे हैं, जब जाने का समय आया तो बस एक बार वहाँ से उठकर जो गाड़ी में बैठ गए तो पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखते थे। इसे कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ये जो है ये संन्यस्त वृत्ति है। जहाँ तक हमारा लोगों के साथ संबंध है तो जेन्युइनली अत्यंत प्रेम से रहो, प्यार से रहो, लोगों के साथ बातें करो, बर्ताव करो, लेकिन जब वियोग का समय आता है, चाहे वो अपने परिवार के साथ वियोग हो, चाहे दूसरों के परिवार के साथ वियोग हो, तो वियोग के समय कोई दुख नहीं, लेकिन जब संयोग का समय आता है तो अत्यंतिक प्रेम से रहे। इसे कहते हैं संन्यस्त वृत्ति से कर्म करना,
सारे लोगों के साथ अपनापन और सारे लोगों के साथ अलिप्तता, ये संन्यस्त वृत्ति है। इस वृत्ति में काम करना संभव है और इस वृत्ति में जितने भी काम होते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम उन्हें मुझे अर्पण कर दो, मुझ में इन सारे कर्मों का समर्पण कर दो। मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, ईश्वरार्पण वृत्ति से कर्म करना। ईश्वरार्पण वृत्ति से माने जो भी काम में कर्म मैं कर रही हूँ वो कर्म करने के लिए मुझे शरीर मिला है, किसने दिया? भगवान ने दिया। बुद्धि मिली, किसने दी? भगवान ने दी। कुछ सामग्री मिली, मुझे एक परिवार मिला है, एक घर मिला है, मुझे कुछ पैसे मिले हैं, किसने दिए? भगवान ने दिए। अब कोई एक कौशल है कि मान लीजिए मैंने जैसे पहले कहा कि आम का अचार बनाना है, तो आम का अचार बनाने के लिए जो भी स्किल सेट है वो मैं कहीं से सीखी हूँ। प्रत्यक्ष जब मैं काटती हूँ, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करती हूँ, ये स्किल सेट, ये कौशल मुझे, मैंने सीखा है। मैं कहती हूँ कि मैंने मेरी माँ से सीखा है, मैंने मेरी दीदी से सीखा है, तो माँ और दीदी ने सिखा ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन माँ और दीदी जो मुझे मेरे जीवन में मिले वो किसने दिए? वो भी तो भगवान ने दिए हैं। ये सारे लोग मुझे एक ना एक चीज़ सिखाए, ये सारी ईश्वर की व्यवस्था है। तो जीवन में जितने सारे कर्म हो रहे हैं ये सारा का सारा भगवान का दिया हुआ है, जिसने दिया मुझे केवल एक निमित्त मात्र की भूमिका, एक माध्यम की भूमिका मिली है, एक सामग्री मिली है, एक देह मिला है, एक कार्य मिला है। जितनी भी सामग्री मिली है उसका उपयोग करके लिमिटेड समय में वो कर्म का मैं आचरण करती रहूँ, निष्ठा से करती रहूँ, और कर्म होने के पश्चात तत्सत कृष्णार्पणमस्तु, हमारे यहाँ ये कहने की प्रथा है। तो कर्म करने के प्रारंभ में, हो सके तो कर्म करने के बीच में और कर्म करने के अंत में अगर हम भगवान का स्मरण करें तो धीरे धीरे कर्म से जुड़ा हुआ जो कर्माभिमान है, वो कर्म का अभिमान, अपने कर्तृत्व की भावना कम हो जाती है। देह है देवाचे, धनो कुबेराचे, तेथे मानवाचे काय है। तो ये भगवान का दिया हुआ देह है, भगवान का दिया हुआ धन है, बुद्धि है, सारी सामग्री है, उसी का उपयोग करके मैं कर रही हूँ। ये भावना जितनी मन में विकास होगी उतना कर्तृत्व का अभिमान कम हो जाएगा। तो इसके लिए नामस्मरण, हमारे संत महात्मा कहते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव कलयुग के लिए साधन दिया गया है, कि कर्म करने के शुरुआत में, हो सके तो कर्म करने के बीच में, और कर्म पूरा समाप्त होने के पश्चात अगर हम लोग नामस्मरण करने का एक ट्रेनिंग अपने आप को दे दे, पहले नामस्मरण, अंत में नामस्मरण, और बीच में जितने समय हो सके उतना नामस्मरण करेंगे, तो अनुसंधान परमात्मा का रहेगा, जिस भगवान ने ये सामग्री दी है उसके प्रति कृतज्ञता रहेगी और कर्तृत्व का अभिमान कम हो जाएगा। ये सारे कर्म ईश्वर अर्पण करने का एक तरीका है, एक पद्धति है, और सारे कर्म करते हुए मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ, भगवान मेरा माध्यम के दृष्टिकोण से उपयोग कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे नहीं होती तो दूसरा कोई व्यक्ति आके ये काम कर लेता। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर शब्द है कि नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल मतलब मेरे बिना इस जीवन में, इस सृष्टि में किसी का कुछ अड़ेगा। मेरे घर वाले लोग हैं वो कितने परेशान हो जाएंगे अगर मैं नहीं रहूँगी, मेरा व्यवसाय, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरा कोई भी कर्म का क्षेत्र, इनमें से किसी भी व्यक्ति का मैं जाने से कोई भी उनके जीवन में फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी कमी शायद थोड़ी बहुत महसूस करेंगे लोग, लेकिन दुनिया है, दुनियादारी है, मेरे पहले भी चल रही थी, मेरे पश्चात भी चलती रहेगी, और मैं केवल फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एक माध्यम की भूमिका कर रही हूँ। जितना भी रोल मुझे दिया गया है, जितनी भी भूमिका मुझे दी गई है, इस भूमिका को स्वीकार करके, ईश्वर की सामग्री को स्वीकार करके ये कर्म करती हूँ और उसी के चरणों में अंत में मैं समर्पण कर देती हूँ। ये सारे दृष्टिकोण से अगर हम लोग कर्म करना सीख जाए तो मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, इसका आचरण हो जाएगा। इस श्लोक का जो पहला चरण है इसका हमने आज अभ्यास किया, और जो शेष बचा हुआ श्लोक है इसका हम लोग अगले सत्र में अभ्यास करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।